वेलकम टू आइशस नॉलेज बैंक इस वीडियो में मैं इग्नो के इंग्लिश कोर्स बीईजीएलए वन थर्टी सेवन ब्लॉक फोर यूनिट थर्टीन के चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू रेटोरिक्स को आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रीवियस वीडियो में मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था बहुत थोड़ा सा ही रह गया सिर्फ दो टॉपिक्स बाकी रह गए हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में इसलिए नहीं एक्सप्लेन किए थे क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया था वीडियो अगर ये दो भी एक्सप्लेन करती तो और लेंदी हो जाता तो आइए देखते हैं ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट सा ही रहेगा क्योंकि बस यही दो टॉपिक्स मुझे एक्सप्लेन करने तो पहला जो है वो दिया है एलिवेशन ऑफ स्टाइल ठीक एलिवेशन ऑफ स्टाइल जो है ये फीचर है रेटोरिक रेटोरिक स्पीचेस या राइटिंग्स का ठीक है ये हमें एलिवेशन ऑफ स्टाइल क्या है मैं भी बताऊंगी आपको ये एक क्या है फीचर है किसका फीचर है रेटोरिकल रेटोरिकल स्पीचेस या राइटिंग्स का ठीक है तो ये इनका एक फीचर है तो ये फीचर जो है हमें रेटोरिकल स्पीचेस या रेटोरिकल राइटिंग्स में देखने को मिलता है एलिवेशन ऑफ स्टाइल अब ये क्या होता है ये एक स्टाइल होता है अपनी बात को कहने या लिखने का जो कि काफी कैसा होता है ग्रांड होता है इंप्रेसिव होता है अपीलिंग होता है और जो किसी स्पीच या राइटिंग के लेवल को क्या करता है ऑर्डिनरी स्पीच या राइटिंग से ऊपर उठाता है ठीक है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो है ये डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर भी या राइटर के ऊपर भी कि वो कितना होशियार है कितनी उसको भाषा की लैंग्वेज की समझ है है ना कितने आप और कितना क्रिएटिव है वो यानी किसी सिंपल सी बात को आप कितने इम्प्रेसिव वे में आप कितने अपीलिंग आप, आप, वे में कह सकते हैं ठीक है तो ये स्पीकर या राइटर पर भी डिपेंड करता है तो यही एक क्या बन जाता है उस स्पीकर या उस राइटर का एक स्टाइल बन जाता है ठीक है अपनी बात को कहने का तो ये वही कहने एक स्टाइल या एक ढंग होता है जो एलिवेशन ऑफ स्टाइल है किसी बात को कहने या लिखने का जिससे कि जो सिंपल सी यानी कि जो साधारण सी मामूली सी बात भी जो है वो कैसी हो जाती है काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाती है काफ़ी अपीलिंग हो जाती है यानी कि मामूली सी बात को भी काफ़ी इम्प्रेसिव काफ़ी अपीलिंग वे में कहना ठीक या काफी ग्रैंड वे में कहना और इससे जो होता है उसका जो मामूली सी जो बात है या जो सिंपल सी ऑर्डिनरी सी बात है उसका जो स्तर है लेवल है वो क्या हो जाता है काफी ऊपर उठ जाता है बाय यूज ऑफ रेटोरिक्स और इसके जो ये जो एलिवेशन ऑफ स्टाइल है इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जैसे कि एक्सपोजिटरी है डिस्क्रिप्टिव है परसुएसिव है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो जो है आपको बीई जी एल ए वन थर्टी एट में दिया हुआ है तो जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको इसके डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में भी बताऊंगी कि ये जो डिफरेंट स्टाइल या शैलियां हैं जिसमें आप लिख सकते हैं तो वो क्या है परसुएसिव डिस्क्रिप्टिव एट्सट्रा तो वह मैं आपको बी GL 138 जब एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पे बताऊंगी कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एलिवेशन क्या है तो स्टाइल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टाइल क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा यानी किसी बात को काफी इम्प्रेसिव या अपीलिंग वे में कहना ठीक अब आ जाते हैं लास्ट हेडिंग पर इस चैप्टर की जिसके बाद आपका ये यूनिट 13 खत्म हो रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी चीज़ को संगठित करना तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये दूसरा फीचर है जो कि हमें अभी मैंने आपको एक फीचर बताया था एलिवेशन ऑफ स्टाइल और दूसरा फीचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन तो ये दूसरा फीचर है जो कि हमें रेटोरिकल स्पीचेस या रिटोरिकल राइटिंग्स में देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है यानी कि जो भी आपने बातें लिखी हैं या बोल रहे हैं उनको किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है किस तरह से संगठित किया है तो इसमें क्या होता है यूजुअली एक जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ठीक है इंट्रोडक्टरी पार्ट इंट्रोडक्टर इंट्रोडक्शन आपको मालूम है कि यूजुअली शुरुआत में ही दिया जाता है शुरू में ही तो इसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जो कि जनरली कहाँ मिलता है हमें शुरुआत में मिलता है ठीक और एंड में क्या होता है एंड में जो है हमारा कॉन्क्लूजन होता है ठीक है कि हमने कोई बात कही या कोई बात लिखी तो उससे हमने क्या कॉन्क्लूड किया और कॉन्क्लूजन जो कि हमें जनरली कहाँ मिलता है एंड में मिलता है किसी भी स्पीच या राइटिंग के और इसमें जो है सारी बातों को क्या कर दिया जाता है अप कर दिया जाता है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉन्क्ल्यूजन में जो स्पीकर है उसको क्या करना होता है जो भी उसका डिस्कशन के या उसके टॉपिक के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्या करना अप करना है ना लिस्टिंग देम या मैंशनिंग देम जो भी मेन मेन खास खास बातें हैं उन को फिर से एक बार मेंशन कर देना तो ये हम कहां पे करते हैं कंक्लूजन में करते हैं तो यही क्या कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है यानी शुरुआत में तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किस बारे में या किस मुद्दे पर किस इशू पे बात करने जा रहे हैं या लिख रहे हैं ये हमारा हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरा क्या होता है हमारा कंक्लूजन जो कि हम एंड में देते हैं जिसमें कि जो भी हमारी बात के जो खास खास पॉइंट्स होते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हम सम कर देते हैं है ना तो ये हमारा क्या होता है कंक्लूजन कहलाता है ठीक इसी के साथ ही आपका ये जो यूनिट थर्टीन है ब्लॉक फोर का वो खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में आई बी एक्सप्लेनिंग यूनिट फोर्टीन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग